हेलो लो गाइज़ माई सेल्फ शुभम अग्रवाल फ्रॉम टीमाशीष तो अब अपन आगे अपनी नेक्स्ट वीडियो पे लास्ट वीडियो पे मोलिकुलर बायोलॉजी की पॉलीमरेज चेन रिएक्शन ठीक है लास्ट तो क्या अपन इसमें पॉलीमरेज चेन रिएक्शन और उसके थोड़े वेरिएंट्स देखेंगे और उसके बाद अगली वीडियो में एप्लीकेशंस देखेंगे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की और फिर ये मोलिकुलर खत्म करेंगे ठीक है तो इसको सबसे पहले एक एम सी क्यों आता है कि इसको किसने इन्वेंट किया था तो साइंटिस्ट का नाम याद रखना आपको कैरी मुल्लेस ने ठीक है कैरी मोलिस ने इसको आइडेंटिफाई सबसे पहले इन्वेंट किया था 1989 के अंदर किया था ईयर ध्यान नहीं रखना ठीक है बट किसने आइडेंटिफाई किसने इन्वेंट किया था कैरी मोलिस ने तो सबसे पहले अगर इसके डेफिनेशन की बात करें क्या है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पी सी आर पॉलीमरिज चेन रिएक्शन ठीक है तो क्या है इट इज़ इन विट्रो इन विट्रो का मतलब आउटसाइड ठीक है आउटसाइड द बॉडी मतलब लेबोरेटरी में इन विट्रो डी एन एम्प्लीफिकेशन प्रोसेजर डी एन एम्प्लीफिकेशन प्रोसेजर मतलब ये लैब के अंदर डीएनए का एम्पलीफाइड डीएनए की सिंथेसिस ठीक है करता है इन विच मिलियंस ऑफ कॉपीज ऑफ डीएनए कैन बी प्रोड्यूस्ड मिलियंस ऑफ कॉपीज ऑफ डीएनए कैन बी प्रोड्यूस्ड विद इन फ्यू आवर्स ठीक है तो ये क्या है लैब के अंदर किया जाने वाला डीएनए एम्प्लीफिकेशन एम्पलीफिकेशन प्रोसीजर है इन विच मिलियंस ऑफ कॉपीज ऑफ डीएनए कैन बी प्रोड्यूस्ड विद इन फ्यू आवर्स लाइक अगर मैं बात करूँ तो जेरोक्स जेराक्सिंग ऑफ जीन्स जेरोक्सिंग ऑफ मल्टीपल कॉपीज ऑफ जीन्स ठीक है तो एम्प्लीफिकेशन हो गया उसकी डी एन ए का अपन मेन इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है एम्प्लीफिकेशन ठीक है इन विट्रो डी एन एम्पलीफिकेशन प्रोसीजर ठीक है तो इसके स्टेप्स की अगर अपन बात करें तो तीन स्टेप्स होते हैं ठीक है स्टेप नंबर वन होता है डी नेचुरेशन अब आप सबको पता है डी नेचुरेशन क्या होता है डी नेचुरेशन का मतलब सेपरेशन ठीक है तो इसमें क्या होता है कि डी एन ए स्ट्रेंड्स आर सेपरेटेड जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है वो कन्वर्ट हो जाता है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के अंदर कैसे कैसे होता है डीनेचुरेशन बाय हीटिंग एट इसका टेम्परेचर ध्यान रखना है नाइन्टी फाइव डिग्री सेल्सियस फॉर फिफ्टीन सेकेंड्स टू टू मिनट्स ठीक है तो ये डबल स्टैंडर्ड डी है मान लो तो इसको अगर नाइन्टी डिग्री सेल्सियस के अंडर में पंद्रह सेकेंड से दो मिनट तक अगर हीट करेंगे तो ये सिंगल स्टैंडर्ड दो स्ट्रैंड डीएनए के अलग अलग सेपरेट हो जाएंगे ठीक है तो ये स्टेप वन हो गया डी उसके बाद सेकेंड स्टेप होता है प्राइमर एनीलिंग प्राइमर एनीलिंग प्राइमर एनीलिंग का मतलब कि इसमें जो प्राइमर्स होते हैं प्राइमर्स का मतलब सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होते हैं मतलब प्राइमर्स जो होते हैं उनको अनिल करते मतलब प्राइमर को जोड़ते हैं एट थ्री डैश एंड ठीक है बाय जो अपना कूलिंग करेंगे पहले अपने 95 पे था तो कूल करके कहाँ तक लाएंगे इसको 50 डिग्री सेल्सियस ठीक है 50 ये 95 था इसको कूल करके 50 डिग्री फॉर कितनी देर के लिए पॉइंट से टू मिनट्स तक ठीक है तो ये आपका हो गया और ये प्राइमर्स जो होंगे जैसे मान लो ये आपका डी था ठीक है फाइव डैश थ्री डैश थ्री डैश फाइव डैश ठीक है ये सिक्वेंसेज थी डीएनए की तो सबसे पहले तो अपन ने क्या किया डी किस पे 95 डिग्री सेल्सियस ठीक है कितनी देर के लिए पंद्रह सेकेंड से दो मिनट के लिए तो अब ये फाइव डैश थ्री डैश थ्री डैश फाइव डैश ये दोनों स्टैंड अलग अलग हो गए ठीक है ये दोनों स्टैंड अलग अलग हो गए उसके बाद अपन ने क्या किया प्राइमर एनीलिंग वो कितने किया फ़िफ्टी डिग्री सेल्सियस पे तो प्राइमर क्या होते हैं ये फाइव डैश था ये थ्री डैश था ये आपका फाइव डैश ये थ्री डैश दोनों अलग अलग, अलग स्टैंड थे अब प्राइमर एनीलिंग का मतलब अपन ने एक शॉर्ट प्राइमर्स क्या होते हैं ये शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड सिक्वेंस जो अपन यहाँ पे थ्री डेश एंड पे जोड़ दिए ठीक है अपन ने अपन ने डीएनए रेप्लिकेशन देखा था वहाँ पे भी मैंने बताया था ना आरएनए प्राइमर चाहिए डीएनए सिंथेसिस को अब इसके बाद वाले स्टेप में ऐसे रेप्लिकेशन हो जाएगा तो ये अपन थ्री डैश एंड पे क्यों जोड़ते पता है क्योंकि ये इसका क्या हुआ फाइव डैश कॉम्प्लीमेंट्री तो डीएनए सिंथेसिस कैसे होगा फाइव डैश टू थ्री डैश ये क्या हुआ फाइव डैश ऊपर वाला तो कैसे होगा फाइव डैश टू थ्री डैश और अपन ने हमेशा बात करी थी कि डीएनए सिंथेसिस कैसे चलता है फाइव डैश टू थ्री डैश ठीक है तो ये ध्यान रह गया उसके बाद तीसरा स्टेप है आपका एक्सटेंशन ठीक है तो प्राइमर ने क्या किया यहाँ पे हाइब्रिडाइज प्राइमर हाइब्रिडाइज विद देयर कॉम्प्लीमेंट्री सब सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए जो कि फर्स्ट स्टेप में बना है ठीक है उसके बाद तीसरा स्टेप है एक्सटेंशन एक्सटेंशन के अंदर क्या करेंगे न्यू स्ट्रेंड्स आर सिंथेसाइज न्यू स्ट्रेंड्स आर सिंथेसाइज और सिंथेसिस के लिए क्या चाहिए डी एन ए पॉलीमरेज तो इसमें अपना जो अपन यूज लेते हैं वो है टैक पॉलीमरेज जिस डी एन ए पॉलीमरेज का नाम है टैक पॉलीमरेज और ये कौन से बैक्टीरिया से डिराइव है थर्मस एक्वेटिकस नाम का एक बैक्टीरिया है जो हॉट स्प्रिंग्स के अंदर मिलता है ठीक है तो वहाँ से डेराइव है और ये 72 डिग्री सेल्सियस हाई टेम्परेचर पे भी ये डी नेचर नहीं होता है इसलिए इतने हाई डिग्री सेल्सियस पे टिकने वाला ये बैक्टीरिया है जो हॉट स्प्रिंग्स के अंदर मिलता है और जो आपका डी एन है उसका नाम टेक पॉलीमरेज तो तीनों ये अलग अलग क्वेश्चन है पूछेंगे कौन सा पॉलीमरेज टैग पॉलीमरेज किससे से डराइव हुआ बैक्टीरिया थर्मस एक्वेफिलस और क्या डिग्री सेल्सियस है 72 डिग्री सेल्सियस ठीक है सेवेंटी टू डिग्री सेल्सियस तीस सेकेंड्स के लिए यूज़ करते हैं अपन ठीक है इन द प्रेजेंस ऑफ क्या चाहिए डी एन सिंथेसिस के लिए डी एनटीपीस चारू डी एनटीपीज ठीक है आपका एडेनिन गुआनिन साइटोसिन चारू ठीक है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफोस्फेट्स तो वो तो चाहिए ही ना तो देखो आपको डी एन सिंथेसिस के लिए क्या क्या चाहिए एक तो आपको डी एन पॉलीमरेज चाहिए ठीक है एक क्या क्या चाहिए आपको एक तो डी एन पॉलीमरेज चाहिए वो है डी एनटीपीज है और टेम्परेचर ये ध्यान रखना है इसका सेवेंटी टू है तो यहाँ पे ही अपना क्या कर देते हैं अपन जैसे ये था अपना तो इसके बाद ये पहला स्टैंड फाइव डैश थ्री डैश ये फाइव डैश थ्री डैश ठीक है तो अपना प्राइमर कहाँ पे जोड़ा था अपन ने ये प्राइमर जोड़ दिए थे दो अब इसके आगे जो है वो डी आपका बन जाएगा तो ये फाइनली फिर पूरा डी बन गया तो यहाँ आपका डी क्या हो गया फाइनली आपका डी का रेप्लीकेशन हो गया है ठीक है तो क्या हुआ है बोथ स्ट्रेंड्स ऑफ डी एन ए बोथ स्ट्रेंड्स आर नाउ रेप्लीकेटेड ठीक है तो ये आपका होता है डी एन ए रेप्लीकेशन और ये जो स्टेप वन टू थ्री है इनको ऊपर अगर रिपीट करते जाएंगे ठीक है रिपीट अगर करते जाएंगे तो अराउंड ट्वेंटी साइकल्स के बाद अराउंड ट्वेंटी साइकल्स के बाद वन मिलियन टाइम्स एम्प्लीफिकेशन हो जाएगा वन मिलियन टाइम्स एम्प्लीफिकेशन ठीक है तो अब ये था अब जैसे ये था तो ये चार हो गए ना अपने पास एक दो तीन चार अब ये चारों में क्या होगा वापस से डी नेचर करेंगे तो ये एक और दो के बीच में ये एक दो अलग हो जाएंगे ये तीन और चार ये तीन चार अलग हो जाएंगे वापस प्राइमर जोड़ेंगे ऐसे चार से आठ बनेंगे आठ से सोलह बनेंगे सोलह से बत्तीस बनेंगे तो ऐसे डबल होते होते हैं बीस साइकिल के बाद वन बिलियन टाइम्स एम्प्लीफिकेशन हो जाता है ठीक है और ये जो है ये सब जो चीज़ें हो रही है वो इंस्ट्रूमेंट होता है किस में हो रही है उसका नाम है टेम्प साइकिलर या फिर थर्मो साइकिलर ठीक है ये एक ऑटोमेटेड इंस्ट्रूमेंट है जिसमें अपने आप ये सब रिएक्शंस होती रहती है और वो इंस्ट्रूमेंट आपको कभी देखने को मिले तो जरूर देखना कॉलेज वाले अगर दिखाए तो टेम्प साइकिलर या थर्मो साइकिलर ठीक है तो ये अपना था डीएनए एन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन तो इस तरीके से होती है ठीक है तो इसमें टेम्परेचर ध्यान रखना है नाइन्टी फाइव एंड सेवेंटी टू नाइन्टी एंड सेवेंटी डिग्री सेल्सियस ठीक है तीन स्टेप्स डी प्राइमर रनीलिंग और एक्सटेंशन तो ये तो आपका नॉर्मल पी हो गया अब कुछ वेरियंट्स देखते हैं ठीक है ये तो आपने नॉर्मल डी का एम्प्लीफिकेशन कर दिया अब अपन देखते हैं एक इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बहुत वाइडली यूज हो रहा है आपने कोविड में तो इसका नाम सबने सुन ही लिया होगा आर टी पी सी आर आर टी का मतलब है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पी सी आर ठीक है अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या होता है क्या नहीं होता है ये अपन सब पढ़ चुके हैं जिसने नहीं देखी है वो वीडियो वो जाके देख ले तो ज़्यादा मज़ा आ जाएगा ठीक है तो ये क्या है कि इसमें नॉर्मल पीसीआर तो हो ही रही है नॉर्मल पीसीआर तो हो ही रही है जिससे वो डीएनए का एम्प्लीफिकेशन हो रहा है बट नॉर्मल पीसीआर सी इज़ प्रिस प्रिसडेड मतलब नॉर्मल पीसीआर से पहले भी कुछ हो रहा है और उसमें क्या हो रहा है नॉर्मल पी से पहले रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का मतलब अपन आर से वर्क स्टार्ट कर रहे हैं आर से कॉम्प्लीमेंट्री डी बनता है ठीक है आर से और वो किसकी मदद से बनता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टज और इस डी का फिर जाके एम्प्लीफिकेशन हो रहा है ठीक है तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है तो ये क्या है इट इज़ मेथड यूज टू एम्प्लीफाई आइसोलेट और आइडेंटिफाई नॉन सीक्वेंस ऑफ जीन नॉन सीक्वेंस ऑफ जीन फ्रॉम सेल या फिर टिश्यू आरएनए लाइब्रेरी टिश्यू आरएनए लाइब्रेरी ठीक है तो अपन ने आर से स्टार्ट किया रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस कॉम्प्लीमेंट्री डी और फिर पी करके डी का एम्प्लीफिकेशन ठीक है तो इसमें क्या होता है कि ऑर्डिनरी जो पी था अपने उसमें तो अपन क्या डी एन डिटेक्ट कर रहे थे बट आर टी में अपन क्या डिटेक्ट कर रहे हैं आर एन डिटेक्ट कर रहे हैं ठीक है तो डी तो लिविंग और डेड दोनों में हो सकता है ठीक है लिविंग में भी हो सकता है डेड में भी डेड बॉडीज़ कहीं मिलती है और कोई ऐसे अगर केसेस होते हैं सस्पेक्ट के तो उनसे डीएनए अपन लेते हैं ना वो अपन देखेंगे एप्लीकेशंस में बट आरएनए जो होता है अगर वो तो खाली लिविंग में होता है और ये आरएनए का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जैसे अपन मान लो वायरल इन्फेक्शन है ठीक है वायरल इन्फेक्शन है जैसे कि एच हो गया ठीक है या फिर हिपेटाइटिस बी वायरस हो गया तो इनके अंदर अपन आर टी पी सी आर करते हैं इनकी डायग्नोसिस करने के लिए अपन करते हैं आर टी पी सी आर क्योंकि ये जो वायरस है हेपेटाइटिस बी वायरस डी एन ए वायरस है हेपेटाइटिस सी वायरस हो गया जैसे ठीक है तो ये आर एन ए वायरस है ठीक है इनके जेनेटिक मटेरियल आर एन ए तो अगर इनको डिटेक्ट करना है तो पहले आर एन ए को अपन को डी एन ए करना पड़ेगा और डी एन ए का फिर कॉपी बना के एम्प्लीफिकेशन करके और फिर डिटेक्ट करते हैं ठीक है तो अपन ने ये बात कर ली कि ऑर्डिनरी पीसीआर में डीएनए डिटेक्ट होता है दो लाइव डेड दोनों से हो सकता है बट आरटीपीसीआर में एमआरएनए डिटेक्ट हो रहा है इसीलिए ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिटेक्ट हो रहा है ये अपन कह सकते हैं और प्रेजेंस ऑफ वायरल एम आर ए ने ऑफ ए वायरल मतलब एच आई वी की अगर मैं बात करूँ एच आई वी आर एन ए जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं एज अर्ली एज़ फोर वीक्स आफ्टर इन्फेक्शन ठीक है तो बहुत ज़्यादा जल्दी वायरल का आरएनए दिख जाता है अपन को मतलब आपको ज किसी को भी आज इन्फेक्शन हुआ तो उसके चार वीक्स बाद ही वायरल का आरएनए ब्लड में दिख जाएगा ठीक है तो बहुत अच्छी इंपॉर्टेंस है आर टी की ठीक है और इसमें क्या है अपन ने उसमें तो बात करी थी कि टैग पॉलीमरेज था ठीक है टैग पॉलीमरेज यूज़ कर रहे थे ना अपन उसमें इसमें टैग पॉलीमरेज की जगह टी नाम से टी एच पॉलीमरेज यूज़ कर सकते हैं ठीक है और वो डेराइव होता है थर्मस वो किससे हो रहा था थर्मस एक्वेटिकस से ये बैक्टीरिया जो होता है वो होता है थर्मस थर्मोफिलस ठीक है और इसके अंदर दोनों प्रॉपर्टी होती है डी एन की तो होती है ठीक है जो अपन ने पिछली बार और अपन को एक और क्या चाहिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक्टिविटी भी होती है ठीक है तो दोनों काम हो जाते हैं अपना ये क्या करेगा सी डी एन ए सिंथेसिस कॉम्प्लीमेंट्री डी एन ए से और ये फिर क्या करेगा उसका एम्प्लीफिकेशन कर लेगा ठीक है एम्प्लीफिकेशन तो ये आर आर था आपका ठीक है तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कोविड में भी आपने सबने देखा कि कोविड में क्या कर रहे थे वो सैंपल ले रहे थे बक्ोफे ये नेजोफेनिंजल सेब स्वैब ले रहे थे ठीक है स्वैब ले, ले के जा रहे थे ठीक है उसके बाद क्या कर रहे थे वायरल ट्रांसपोर्ट मीडियम आता है एक ट्यूब आती है उसके अंदर रखते हैं उसके अंदर फिर आर जो है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट से पहले डी बनाते हैं और ये डी का फिर एम्प्लीफिकेशन करते हैं ठीक है और फिर रिजल्ट आता है ठीक है तो ये अपन कोविड में बहुत हुआ है जो इसलिए आपने सुना ही होगा ये और तो आप जानते ही होंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट पी सी आर ठीक है अब एक ऐसा ही होता है जिसको अपन स्मॉल आर से लिखते हैं आर टी पी सी आर ये क्या होता है ये होता है रियल टाइम क्वान्टिटेटिव पी सी आर अब ये बहुत और ज़्यादा एडवांस है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है क्वांटिटेटिव नाम से पता चल रहा है रियल टाइम क्वांटिटेटिव मतलब ये क्या करता है इससे क्या पॉसिबल है कि क्वांटिफिकेशन भी कर सकते हैं अपन क्वांटिफिकेशन ऑफ़ नंबर ऑफ़ वायरस प्रेजेंट इन सैंपल कि कितने वायरस पार्टिकल्स हैं क्वांटिफिकेशन ऑफ नंबर ऑफ वायरस प्रेजेंट इन सैंपल कैल बी कैलकुलेटेड तो इससे अपन को वायरल लोड पता चल सकता है वायरल लोड एच में या हेपेटाइटिस बी वायरस में कि वायरल लोड कितना है ठीक है तो अपन ट्रीटमेंट की प्रोग्नोसिस देख सकते हैं ठीक है थीके? प्रोग्नोसिस पता चल सकता है ट्रीटमेंट का कि कितना मतलब अगर मान लो आपने ट्रीटमेंट दिया ठीक है ट्रीटमेंट के बाद क्या होना चाहिए वायरल लोड कम हो जाना चाहिए ठीक है तो वायरल लोड कम हो जाएगा तो किससे पता चलेगा वो रियल टाइम क्वान्टिटेटिव पी सी आर से ठीक है तो इससे अपन को क्या पता चलता है इट इज़ यूज टू मेजर द्वालि क्वान्टिटी ऑफ पी सी आर प्रोडक्ट्स इन रियल टाइम ठीक है तो जैसे कि अगर मैं बताऊँ कि अगर मान लो कि ज़्यादा अगर मान लो कि लेस साइकल्स अगर लेस साइकल्स चाहिए फॉर एम्प्लीफिकेशन अगर किसी एक ऐसा केस है कि जिसमें लेस साइकल्स चाहिए और एक ऐसा केस है कि ज़्यादा साइकिल ले रहा है वो एम्प्लीफाई होने में तो बताओ लोड किस में ज़्यादा होगा जो ज़्यादा टाइम ले रहा है उसमें क्या होगा लो वायरल लोड होगा जभी तो और ये जो लेस साइकिल्स ले रहा है उसमें क्या होगा हाई वायरल लोड होगा ठीक है तो वो अपन पता लगा सकते हैं समझ नहीं देखो क्या है मोर साइकल्स मतलब कि मान लो अगर इसमें एक ही था और एक से अगर आपको हज़ार करने हैं तो ज़्यादा टाइम लगेगा और इसमें मतलब लेस साइकिल्स ले रहा है मतलब मान लो इसमें पहले से ही पाँच थे तो ये लेस साइकिल्स पाँच से हज़ार होने में कम टाइम लगेगा ना तो मतलब इसमें हाई वायरल लोड है और इसमें लो वायरल लोड है ठीक है समझ गए और इसके अंदर अब जो ध्यान रखना है वो बात यह है कि अपन यूज़ करते हैं फ्लोरेसेंट डाइस फ्लोरसेंट डाइज यूज़ करते हैं जैसे कि एस वाई बी आर ग्रीन ये एम सी क्यों आता है या फिर फ्लोरोफोर ठीक है एस वाई बी आर ग्रीन या फिर फ्लोरोफोर और इसके अंदर क्या होता है डी एन ए प्रोब होता है और प्रोब कौन सा यूज़ करते हैं अपन टैकमेंट प्रोब टैकमेंट प्रोब यूज़ करते हैं टू मेजर द अमाउंट ऑफ एम्पलीफाइड प्रोडक्ट इन रियल टाइम ठीक है तो एम्पलीफाइड अब ये क्या होता है कि फ्लोरेसेंट डाइज यूज़ करता है तो फ्लोरेस करता है ये जैसे मान लो ये मैं यहाँ पे फ्लोरेसेंट बनाता हूँ फ्लोरेसेंस कितनी दिखी चमकता कितना है और यहाँ पे अपन ने पीसीआर की साइकिल्स बनाई तो ये क्या करता है कि ये ऐसे फ्लोरेसेंस शो करता है ठीक है तो मतलब मान लो कि जितनी ज़्यादा फ्लोरेसेंस शो करेगा उतना ज़्यादा आपका डी सिंथेसिस हुआ है मतलब अगर डीएनए सिंथेसिस ज़्यादा होता है तो ज़्यादा फ्लोरेसेंस ज़्यादा चमकता है ये तो ये अपन को दिखता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ये ग्राफिकल डिस्प्ले दिखता है कंप्यूटर के ऊपर ठीक है तो ये होता है रियल टाइम क्वांटिटेटिव पीसीआर इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अपन क्वांटिफाई कर सकते हैं तो वायरल लोड पता लगा सकते हैं तो ट्रीटमेंट मॉडिलिटी प्लान कर सकते हैं और रिस्पांस टू ट्रीटमेंट देख सकते हैं कि हाँ भाई ट्रीटमेंट सही दिशा में जा रहा है या नहीं कि हाँ अपन ट्रीटमेंट देने के बाद वायरल लोड कम हुआ है मतलब सही है तो वो चीज़ में पता करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रियल टाइम पी ठीक है रियल टाइम क्वान्टिटेटिव पी तो बट पी में आपको इतना ध्यान होना चाहिए अपन को नॉर्मल पी देख लिया रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट टेस्ट पी देख लिया और एक आर टी देख लिया ठीक है और एक अगर मैं बात करूँ तो एक छोटा सा होता है लैम्प टेस्ट भी होता है अगर मान लो कोई पूछ ले तो लैम्प टेस्ट क्या होता है लूप मीडिएटेड आइसोथर्मल एम्प्लीफिकेशन आइसोथर्मल एम्प्लीफिकेशन ये भी पीसीआर का ही वेरिएंट है अब आइसोथर्मल वर्ड से बस इतना ध्यान रखना कि ये इसमें जो डी एन हो रहा है वो आइसोथर्मल का मतलब क्या है कॉन्टेंट टेम्परेचर से हो रहा है अपन ने नॉर्मल पी में क्या देखा कि नाइन्टी डिग्री पे फिर पचास डिग्री पे फिर सेवेंटी डिग्री पर टेम्परेचर हर बार चेंज करना पड़ता है बट ये जो हो रहा है ये कॉन्टेंट टेम्परेचर पर होता है तो ये होता है लूप मीडिएटेड आइसोथर्मल एम्प्लीफिकेशन ठीक है तो बस आपको मेन चीज़ क्या ध्यान रखनी है पीसीआर पे को शॉर्ट नोट आता है कभी कभी आरटीपीसीआर पे शॉर्ट नोट आ जाता है ठीक है बट बाकी जो है वो अगर मान लो एम कुछ भी एम सी को फिलिंद ब्लैंक आ गया तो आइसोथर्मल कांस्टेंट टेम्परेचर और एक ये भी होता है मल्टीप्लेक्स पीसीआर करके भी होता है मल्टीप्लेक्स पीसीआर मल्टीप्लेक्स नाम से ही पता चल रहा है मतलब इसमें अपन मल्टीपल प्राइमर यूज़ करते हैं अपन ने जो सेकेंड स्टेप में प्राइमर रनीलिंग करी थी उसमें एक प्राइमरी डालते हैं बट इसमें मल्टीपल प्राइमर यूज करते हैं तो इससे क्या होता है कि मल्टीपल जीन्स टारगेट कर सकते हैं एक ही टाइम के ऊपर तो इससे क्या अपना टाइम बच जाता है कि एक से ज़्यादा जीन अपन डिटेक्ट कर सकते हैं तो टर्न अराउंड टाइम जो होता है वो लेस होता है ठीक है ये भी कोई नहीं पूछेगा आपको पर अगर मल्टीप्लेक्स पी कोई अगर वाइवा में आप ज़्यादा आप जवाब दे रहे हो और पूछ ले तो आप ये बता सकते हो कि इसमें मल्टीपल प्राइमर्ज यूज़ करते हैं और मल्टीपल प्राइमर्ज यूज़ करने के साथ साथ इसमें क्या होता है कि टारगेट जो मल्टीपल जीन्स कर सकते हैं अपन एक ही टाइम के ऊपर एक से ज़्यादा जीन टारगेट कर सकते हैं तो टाइम सेविंग होती है अपने ठीक है तो ये था अपना पी सी आर पॉलीमरिस चेन रिएक्शन ठीक है इसमें आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये चीज़ें ध्यान रखनी है अब अपन अगली वीडियो में देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ पी सी आर ठीक है उस पर भी अलग से शॉर्ट नोट आ सकता है और वाइवा में भी पूछते हैं ठीक है थीके? तो वो देखेंगे फिर अपनी मोलिकुलर बायोलॉजी खत्म हो जाएगी ठीक है तो मिलते हैं अगली वीडियो में जय हिंद जय भारत